हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जगदम्बा कार एक्सेसरीज वडोदरा। आज फिर से एक बार वन ऑफ द बेस्ट कार क्रेटा 21 ई वेरिएंट हम लोग लेकर आ चुके हैं और काम वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने जो ओरिजिनल बम्पर है उसको उतार के इसके अंदर फॉग लैम्प, हेडलाइट के बल्ब अपग्रेड करने वाले हैं, फ्रंट ग्रिल जो कि एकदम एक्सक्लूसिव इस कार में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट कलर है क्रेटा का, फुल ब्लैक, इसलिए इसका जो लुक भी है वो काफ़ी हद तक एनहांसिंग लगेगा आपको। और मैं आपको बस हर एक चीज़ का परफेक्शन दिखाना चाहूँगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और करने के बाद कैसा है ये गाड़ी का लुक आने वाला है और ये गाड़ी कहाँ से आई हुई है हमारा काम देख के, उसके बारे में आपको डिटेल में ये वीडियो में देखने को मिलेगा। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें हेडलाइट के जो बल्ब हैं जो क्रेटा ई वेरियंट में हेलोजन बल्ब आते हैं उसको रिप्लेस करके वाइट LED बल्ब इंस्टॉल करेंगे जो कि हमान ब्रांड के हैं। और फॉग लैम्प में भी जो कंपनी की फॉग लाइट तो आती ही नहीं है, हम लोगों ने हुंडई जेन्युइन फॉग लाइट विथ जेन्युइन वायरिंग स्विच के साथ, मैं आपको इसकी वायरिंग भी दिखाना चाहूँगा, प्रॉपर कपलर टू कपलर वायरिंग यहाँ से आकर यहाँ पे हमने प्लेसमेंट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो OEM स्विच इंस्टॉल किया हुआ है हमने, क्रेटा ई वेरियंट में फॉग लैम्प स्विच यहाँ पर हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। और फॉग लैम्प अपग्रेड करने के बाद हम लोगों को जब हेडलाइट में वाइट बल्ब होंगे तो फॉग लाइट में भी ऑब्वियस है कि वाइट बल्ब इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो वो भी हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ ये प्लग एंड प्ले वाले LED बल्ब आते हैं वो इंस्टॉल करेंगे। और बात करना चाहेंगे इसके साइड वे ऑफ द कार की, तो इसमें जो है हमने 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स अपग्रेड कर दिए हैं। आप देख सकते हो डायमंड कट एलॉय व्हील्स लगने के बाद जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी एनहांस हो चुका है और जो लुक है गाड़ी का वो भी ई वेरिएंट लगेगा ही नहीं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक से मिरर है विद द स्टिक्स वाले मिरर है, डंडी वाले हमारे पास वो भी अवेलेबल है, लेकिन अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम लोग इस कार में ये अपग्रेड नहीं करने वाले, बाकी ये भी आपको हमारी शॉप पर मिलने वाला है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर विंडो गार्निश इंस्टॉल की हुई है, पूरी की पूरी वन पीस फिटिंग है, आप देख सकते हो ABS क्वालिटी की है। साइड में तो ज़्यादा कुछ हम लोग क्रोम वगैरह नहीं लगाने वाले, लेकिन एक टॉप एंड वेरिएंट लुक दिखाने के लिए हमने एक रूफ रेल इंस्टॉल की हुई है जो कि ABS क्वालिटी की है। और इसमें जो कलर भी दिया हुआ है वो सिल्वर मेटालिक है और अंदर की तरफ ब्लैक फिनिश है, मतलब जो भी टॉप मॉडल में आती है सेम वैसी ही रूफ रेल हम लोग इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। रियर पोर्शन ऑफ द कार में हम लोगों ने शार्क एंटीना इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हो ER ब्रांड का जो कि ब्लैक ग्लॉस फिनिश में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ट्रंक गार्निश बार लाइट भी अवेलेबल है, लेकिन अभी क्लाइंट की हाल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो कैमरा भी है वो प्रॉपर उसके अपर माउंट की जगह पे ही इंस्टॉल किया हुआ है, जो पार्ट आता है नॉर्मल वाला वो रिप्लेस करके यहाँ पे हमने कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, बाकी पीछे की तरफ हमने और कुछ नहीं किया। आपको मैं दिखाना चाहूँगा बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस में आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं मिलती है क्रेटा ई वेरिएंट में, लेकिन हम लोग जो है वो जेन्युइन हुंडई की पार्सल ट्रे इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हो जेन्युइन हुंडई का यहाँ पे बैजिंग दिखेगा आपको, पार्ट नंबर के साथ आएगा और ABS क्वालिटी की ये वाली पार्सल ट्रे आती है जो अप्स एंड डाउन फंक्शन के साथ आती है। आपको यहाँ पे डुप्लीकेट कोई पार्ट्स नहीं मिलेंगे, जेन्युइन हुंडई के पार्ट्स मिलेंगे। कंपनी ने जो रेगुलर वाली कारपेट मैट्स दी होती है उस पर हमने वन पीस वाली फ्लोर लैमिनेशन मैटिंग की हुई है, ये आप देख सकते हो उसका एक परफेक्शन प्रॉपर वन पीस में है, स्टिच कंप्लीट एज टू एज है और इजीली क्लीन हो जाएगी, वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है और हीट प्रूफ है। अगर कार में आप फ्लोर की सेफ्टी चाहते हो तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक अच्छी फ्लोर लैमिनेशन मैट लगवाएं, क्योंकि ऊपर की तो कोई भी मैट लगवाओगे आप, क्योंकि नीचे का फ्लोर की सेफ्टी के लिए आपको लैमिनेशन मैट करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों क्रेटा ई वेरिएंट में जो है कंपनी ने कोई भी ऑडियो सिस्टम अपग्रेडेशन नहीं दिया होता है, ना ही कोई स्पीकर दिए होते हैं ना म्यूज़िक सिस्टम, तो हम लोगों ने जो है स्पीकर्स अपग्रेडेशन के लिए कस्टम क्लाइंट को रिकमेंड किया है कि आप आगे की तरफ कंपोनेंट लगाना चाहते हो तो कंपोनेंट, लेकिन एक ये कोएक्सियल स्पीकर इतने अच्छे आते हैं US डिज़ाइन के किकर ब्रांड के, जो एकदम कंपोनेंट की तरह ही अच्छा लाउडनेस के साथ इसका जो सेटअप आता है। और पीछे हमने
वन एंड ओनली इन्फिनिटी ब्रांड के रेफरेंस के को एक्सियल स्पीकर इंस्टॉल किए हुए हैं। लेकिन ये जो चार को एक्सियल स्पीकर का कॉम्बो है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो है। तो उसका भी मैं आपको एक प्लेसमेंट दिखाना चाहूँगा कि हम लोग जो भी स्पीकर इंस्टॉल करते हैं वो रिंग के साथ और परफेक्शन के साथ स्क्रू माउंटिंग करके ही करते हैं। स्पीकर का वायरिंग जो भी होगा वो प्रॉपर कॉपर का होगा। फ्रंट का प्लेसमेंट देख सकते हो आप एंड रियर का भी प्लेसमेंट आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रेटा ई वेरिएंट में बस इतना सा ब्लैक डब्बा दिया होता है, उसको हम लोगों ने डब्बे को रिप्लेस करके यहाँ पे एक मैजिक बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ है, जो देख के आपको लगेगा नहीं कि ये ई वेरिएंट है, क्योंकि एस एक्स प्लस में ये वाला स्टीरियो आता है। आप इसका एक परफेक्शन देख सकते हो, इसकी एक फ्रेम की फिटिंग, इसके अंदर 2GB रैम, 32GB इनबिल्ट मेमोरी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ है इसके अंदर, यूट्यूब नेविगेशन वो सब तो बहुत सारा भर भर के है। और आप देख सकते हो इसका जो कैपेसिटिव टच एंड जो क्लैरिटी है वो भी बहुत अच्छी है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहिए और हमारे ऐसे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें कमेंट दीजिए कि क्या हम लोग और ज़्यादा कर सकते हैं। और आप कहीं से भी आते हो हम लोग आपका पूरा का पूरा काम अच्छी तरह करके देंगे और वो भी बहुत बेस्ट प्राइस पे। दोस्तों आप देख सकते हो स्टीयरिंग क्रेटा ई वेरिएंट में आता तो है स्टीयरिंग, लेकिन हम लोगों ने अभी निकाला है क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो है स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल बटन इंस्टॉल करने वाले हैं जेन्युइन हुंडई का, और क्रूज़ बटन भी अल्सो इंस्टॉल करने वाले हैं। सो अभी वर्किंग प्रोसेस है। और दूसरी बात, हम लोग जो इसमें स्टीयरिंग कवर भी है वो नॉर्मल वाला स्टिचिंग नहीं करने वाले हैं, पूरा का पूरा लेदर रैपिंग करने वाले हैं। और आप देख सकते हो ऐसे डमी खाली बटन्स आते हैं, बटन्स ही नहीं आते, सिर्फ पार्ट्स आता है। हम लोग रिप्लेस करके जेन्युइन हुंडई के स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल बटन, क्योंकि आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो नेक्स्ट, प्रीवियस, म्यूट सब आपको बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आपके लिए वो भी हम लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हुंडई ब्रांड का जेन्युइन सनग्लास होल्डर हम लोग इस कार में इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ई वेरिएंट में आप देख सकते हो सनग्लास होल्डर कंपनी ने नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इंस्टॉल कर देंगे, कोई बात नहीं। जगदम्बा कार एक्सेसरीज पे सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हो हुंडई का प्रॉपर जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे, प्रॉपर प्रोफेशनल कटिंग के साथ इसमें इंस्टॉल होगा, कोई भी एजेस या गैप वगैरह नहीं रहेगा। उसका एक परफेक्शन भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि क्रेटा का जो बम्पर है वहाँ पे हमने फॉग लाइट इंस्टॉल कर दी हुए है, और कोई भी गैप ना रहे इसलिए हम लोगों ने एयर डक्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं, वो भी जेन्युइन हुंडई के, हमने वो कटिंग वगैरह करके नहीं इंस्टॉल किए हुए, प्रॉपर फॉग लैम्प विथ एयर डक्स के साथ। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि जो हुंडई की नॉर्मल वाली ग्रिल आती है उसको हम लोग रिप्लेस करके एक एक्सक्लूसिव ग्रिल इंस्टॉल करने वाले हैं, वो आपको इस वीडियो के एंड में देखने को मिलेगी। क्रेटा के जो डोर के गत्ते आते हैं उसमें हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं एम्बियंस लाइटिंग, प्रॉपर एच टू एच इसमें इंस्टॉल होने वाली है, RGB रहेगी, एप्स के साथ आपको पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा, और मैं आपको नाइट में इसका व्यूज़ भी दिखाना चाहूँगा। तो गाइस जितना हो सकता था मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया कि क्या क्या हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, बाकी इस वीडियो को जब आप देखोगे सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह और क्या क्या हमने किया है और जो कस्टमर है उनको हमारा काम कैसा लगा वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन भी आपको दिखाना चाहेंगे। तो गाइस आफ्टर मॉडिफिकेशन क्रेटा 21 तैयार हो चुकी है। ये गाड़ी बहुत दूर से आई हुई है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उनको शो नहीं करना था कि कौन सा नंबर, इसलिए हम लोगों ने ये ढाक दिया है। बाकी ये जो गाड़ी है उसमें जो जो काम हमने किया हुआ है उसका एक परफेक्शन दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल रियर पोर्शन ऑफ द कार से स्टार्ट करेंगे, आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। बूट स्पेस में हमने जो है बूट मैट लगा दी हुई है, ये जो फ्रंट की ग्रिल थी आपको मैंने बताया था वो रिप्लेस कर दी हुई है, वो इस वीडियो का एकदम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो हुंडई की पार्सल ट्रे जेन्युइनली इंस्टॉल हो चुकी है, और साइड वे ऑफ द कार से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कार किस तरीके का लुक दे रही है। हमने बहुत एलिगेंस तरीके से तैयार की हुई है इस कार को। यहाँ पे आप देख सकते हो डायमंड कट एलॉय व्हील्स जो कि 17 इंच के हैं, JK टायर हमने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन जो एलॉय व्हील्स और ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, रूफ रेल के साथ और ये लोअर विंडो गार्निश के साथ
गाड़ी एकदम प्योर और क्लियर लग रही है। और बात करना चाहेंगे इंटीरियर ऑफ द कार की, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो वन ऑफ द बेस्ट एंड एकदम क्लियर और एकदम बेस्ट इसमें इंटीरियर का काम हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे सीट कवर्स का, तो हमने जैगुआर ब्रांड के सीट कवर्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि फुल बकेट फिटिंग में है। राइट एंड लेफ्ट दोनों ही साइड का आप फिटमेंट देख सकते हो, इंटीरियर और डैशबोर्ड के साथ परफेक्ट मैचिंग के साथ हमने इसमें क्लाइंट को सजेस्ट किया है। स्टीयरिंग जो हमने लेदर रैपिंग किया हुआ है जिग जैग थ्रेड वर्क के साथ, जो OEM स्टिचिंग स्टीयरिंग कवर आता है वो उसी तरीके से हमने स्टिच किया है। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल बटन का फिटमेंट देख सकते हो, क्रूज बटन एक्टिवेट हो चुका है और जो भी इसमें काम हुआ है एकदम क्लियर एंड शार्प काम हुआ है। बात करना चाहेंगे रियर पोर्शन ऑफ द कार की, तो यहाँ पे दोस्तों रियर की सीट का भी फिटमेंट आप देख सकते हो, फुल बकेट फिटिंग है और अल्ट्रा कंफर्ट लेक्सस नापा लेदर का ये सीट कवर आता है। रियर की बैक भी देख सकते हो, रियर की फ्लोर मैट देख सकते हो आप, इसमें एक्स्ट्रा मैटिंग भी किया हुआ है और नीचे का फ्लोरिंग भी किया हुआ है। आफ्टर मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो सनग्लास होल्डर भी परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। कई लोगों को ऐसा डाउट होता है कि परफेक्शन के साथ कटिंग होगा कि नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हो पूरा एज टू एज फिनिशिंग है, कोई भी जगह से गैप्स या कोई ओवर कटिंग नहीं किया हमने, परफेक्ट फिटिंग किया हुआ है। ये वीडियो सिर्फ आपको परफेक्शन दिखाने के लिए ही हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन सारे ही प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, डोर स्विच पे दिया हुआ है, जैसे आप डोर खोलोगे तब भी लाइट्स होगी, डोर बंद करोगे तब भी लाइट्स ऑफ हो जाएगी, अभी डिक्की खुली हुई है इसलिए अभी बंद नहीं हुई है। और बात करना चाहेंगे एटमोसफियर लाइट की, आप यहाँ पे देख सकते हो एटमोसफियर लाइट भी इंस्टॉल हो चुकी है। इसमें हर एक कलर के फंक्शन है, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज कोई भी कलर आप इसमें कर सकते हो चेंज अपने एटमोसफियर के हिसाब से। और इसके अंदर म्यूज़िक वाला फंक्शन भी है कि जैसे जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ वो भी आपको पूरा वेव्स के साथ इसके अंदर सुनाई देगा, जैसा म्यूज़िक बज रहा होगा उस तरीके के वेव्स से ये एटमोसफियर लाइट चलती है। और बात करना चाहेंगे म्यूज़िक सिस्टम ऑफ दिस कार, हम लोगों ने जो SX प्लस टाइप का एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल किया हुआ है, इसका एक आप फिटमेंट देख सकते हो, कहीं भी जगह से कोई गैप्स वगैरह नहीं है, बटन के परफेक्शन और लुक दोनों ही हमने इस कार में मेंटेन किए हुए हैं। और इसका रिस्पांस जो है एकदम क्विक रिस्पांस है, ये जो है इसका वॉल्यूम बटन है, ये FM मोड है, ये होम बटन है, आप देख सकते हो कैपेसिटिव टच है, फुल HD क्लैरिटी के साथ है, कोई भी लैग्स वगैरह नहीं होगा। आपको मैंने वीडियो में पहले ही बताया था 2GB प्लस 32GB एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सब इसमें चलने वाला है। और वीडियो की क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है, हाल में अभी इसमें डेमो के लिए वीडियो नहीं है, लेकिन आप इसका डिस्प्ले वर्क देख सकते हो, आप राइट एंगल से भी देखोगे तो कोई जगह से आपको जो डिस्प्ले है वो लाइट या ब्लैक नहीं दिखेगी, एकदम IPS डिस्प्ले ग्लास है। और यहाँ पर DSP सेटिंग भी है, इसके अंदर 36 इक्विलाइजर दिए हुए हैं, डॉल्बी साउंड जो भी आपका एटमोसफियर के हिसाब से आप इसमें सेटिंग कर सकते हो। म्यूजिक लवरों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक फंक्शन दिया हुआ है। और रिवर्स कैमरे और बात करना चाहेंगे रिवर्स कैमरे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स कैमरा भी एकदम क्विक रिस्पॉन्स है, अपर माउंटिंग में हमने कंपनी के जैसा ही लगाया हुआ है। विद गाइडलाइंस के साथ है रेड येलो एंड ग्रीन। और गाइज मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में जो वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, यू कैन सी दिस ग्रिल जो ब्लैक गाड़ी के साथ किस तरीके का लुक दे रही है, आप खुद ही कमेंट में बता सकते हो। ये वन ऑफ द एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, आज तक किसी ने ये वाली ग्रिल इंस्टॉल नहीं की हुई है। यहाँ पर जो क्रोम बॉर्डर आती है हम लोगों ने ग्लॉसी ब्लैक ही, इसके अंदर जो बॉर्डर भी है और ये जो हनी कॉम डिज़ाइन है वो भी परफेक्शन के साथ इंस्टॉल हुई है।
ओरिजिनल वाली ग्रिल रिप्लेस करके ये वाली ग्रिल हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है। सो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।